शहर में बादलों के डेरे, शिमला पहाड़ी मॉल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवा चलने से जाती सर्दी फिर लौट आई। दोपहर तक वक्फे से रिमझिम जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात। कोट लखपत जेल में बड़ी मुलाकात, बिलावल भुट्टो दोपहर 2:30 बजे जेल में नवाज शरीफ से मिलेंगे। कमर जमान कायरा, मुस्तफा नवाज खोकर, हसन मुर्तजा भी हमरा जाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुलाकात का कोई सियासी एजेंडा नहीं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ से मिलूंगा। नवाज शरीफ अलील है, इन्हें सहूलत मिलना चाहिए। लाहौर ब्रिज पर ट्रॉलर का टायर फट गया। कैंची चुंगी की जानिब से ट्रैफिक का शदीद दबाव, ट्रैफिक का बहाव जारी रखने के लिए वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। वजीर आजम की नाहली के लिए दरखास्त, वजीर आजम इमरान खान की नाहली से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। दरखास्त में वजीर आजम इमरान खान के टेरन वाइट को बेटी न मानने के इकदाम को चैलेंज किया गया। इमरान खान न्याजी आइन के आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते हैं। अदालत वजीर आजम इमरान खान को नाहल करार दे, इस्तदा। कैदी अब्दुल अलीम खान से आज कैंप जेल में मुलाकात का दिन, पीटीआई रहनुमाओं की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात कराई जाएगी। अब्दुल अलीम खान को आमदन से जायद असासाजात होने पर गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की सेहत का मामला, वजीर आजम के अहकाम पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से दूसरी मुलाकात। पीआईसी के डॉक्टर प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर साकिब शफी ने साबिक वजीर आजम का चेकअप किया। डॉक्टर्स की अद्वियात में तब्दीली की तजवीज, हुकूमत का हेल्थ यूनिट के बाद जेल में एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का भी फैसला। नौजवान की पुरिसरार हलाकत, चूंके इलाके में 23 साल नौजवान की लाश तनूर से मिली। जामक नौजवान की शनाख्त नवीद के नाम से हुई। डीएसपी चूंके मुताबिक लाश के पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और असातिज़ा के लिए बड़ी खबर, अब तो बादलों के लिए किसी सिफारिश और न दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत। पंजाब हुकूमत का असातिज़ा के तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। करप्शन के खात्मे के लिए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम का आगाज जल्द हो जाएगा। बच्चों की हाजिरी यकीनी बनाना असातिज़ा की नहीं महकमों की जिम्मेदारी है, वज़ीर-ए-आला पंजाब का ट्वीट।